Tanya Singh. I'm a third year MBBS student from GR Medical College, Gwalior. बच्चों, it's really high time now. NEET में hardly 5 months बचे हैं. आपके पास अब एक प्रॉपर शेड्यूल टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये टाइम पे ऐसी वेस्ट कर दिया ना, देन सीरियसली आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा. आप ड्रॉपर बनोगे या फिर आप सिलेक्ट होगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप इस टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो. देखो बच्चों, टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देना चाहती हूँ. इट रियली डजेंट मैटर हाउ मच आवर्स यू स्टडी. आप कितने घंटे पढ़ते हो ये इतना मैटर नहीं करता है. वॉट मैटर्स इज हाउ इफेक्टिवली यू यूज दोज आवर्स. ओके, आपने उन आवर्स में कितना इफेक्टिवली पढ़ा, उन्हें कितने अच्छे से यूटिलाइज करा, कितना रिटेल है आपके दिमाग में चीज़ें. अब देखो बच्चों, हमारे पास होते 24 आवर्स ही हैं. ये हम पर डिपेंड करता है हम उन्हें कितने प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं. 2 घंटे का काम 4 घंटे में करना है या 4 घंटे का काम 2 घंटे में, हमें डबल प्रोडक्टिविटी से काम करना है. तभी हम खुद को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उन लाखों बच्चों से जो अपीयर होने वाले हैं नीट के एग्जाम में. सो बच्चों, मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा हुआ करता था. मैं बचपन से ही अर्ली बढ़ रही हूँ, तो नीट के लिए जल्दी उठने की आदत नहीं डालनी पड़ी. मैं बस थोड़ा सा ही जल्दी उठना पड़ता था मुझे. पहले 6 बजे उठती थी, नीट के लिए मैंने 4 बजे उठना शुरू किया. सो मेरा दिन स्टार्ट होता था 4 बजे. देखो बच्चों, मुझे नहीं पता है कि आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह पढ़ने की आदत डालें. क्योंकि बच्चों, जब हम सुबह उठते हैं ना, हम ऑलरेडी बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, एंड वो बहुत जल्दी चीज़ें गेन कर लेता है, जो कि हमें बहुत लंबे टाइम तक रिटेन भी रहता है. इसलिए सुबह पढ़ना इज वेरी मच एफिशिएंट देन रात को पढ़ना. सो बच्चों, 4 बजे उठने के बाद जो मेरा 4 से 7 बजे का स्लॉट रहता था, उसमें मैं बायो पढ़ती थी, और फिर 7 से 8:30 बजे तक मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में भी जो भी याद करने वाले टॉपिक्स रहते थे मैं वो करती थी. सो बेसिकली बच्चों, 4 से 8:30 बजे का मेरा टाइम रहता था, उसमें मैं प्योरली फोकस करती थी कि मेरे को जो याद करने वाले सब्जेक्ट्स हैं मैं वही पढ़ूँ. बच्चों, मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि कभी भी सुबह उठ के ना आपको फिजिक्स वगैरह सॉल्व नहीं करना है. क्योंकि क्या होता है कि आप फिजिक्स सॉल्व करने लग जाओगे, फिजिक्स में कभी कभी आप स्टक हो जाते हो कुछ क्वेश्चन में, एंड स्टक हो जाते हो, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, एंड देन फिर ना ऐसा लगता है कि जैसे सुबह से कुछ किया ही नहीं है. इसलिए ना आप सुबह सुबह बायो कर लो, केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ लो, याद करने वाले टॉपिक कर लो, जिससे आपको पूरे दिन का कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि एटलीस्ट मैंने इतना पोर्शन तो कवर कर लिया है. फिर बच्चों, 8:30 से 9 बजे तक मैं ब्रेक लेती थी, और 9 से 12 का जो मेरा स्लॉट रहता था उसमें मैं फिजिक्स करती थी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी. जो 12 से 2 बजे का मैं ब्रेक लेती थी, इसमें मुझे अपने डेली रूटीन का जो भी काम करना रहता था मैं वो कर लेती थी, एंड 1 घंटा मैं इसमें से बचा के अपना सो भी लेती थी. क्योंकि सुबह से पढ़ पढ़ के मेरा माइंड ना थक जाता था, इसलिए मैं 1 घंटे का रेस्ट ले लेती थी. मैं अपनी पढ़ाई फिर से रिज्यूम करती थी. 2 से 5 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी. उसके बाद 5 से 5:30 का मैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेती थी. 5:30 से 8:30 तक का जो मेरा टाइम रहता था वो मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहता था, क्योंकि इसमें मैं रिवीजन करती थी. मैंने अपने फर्स्ट टॉप में यही मिस्टेक करी थी कि मैंने रिवीजन को बहुत इग्नोर करा था, रिवीजन को मैं टाइम वेस्ट समझती थी. 3 घंटे रिवीजन करती थी, और मैंने 1-1 घंटे के स्लॉट में उसे बांट रखा था. जो मेरा पहला घंटा होता था उसमें मैं रिवाइज करती थी वो टॉपिक जो मैंने पिछले महीने पढ़े थे, फिर मेरा दूसरा घंटा उसमें 20 दिन पहले के, फिर ऐसे मेरा जो तीसरा घंटा होता था उसमें मैं 10 दिन पहले के टॉपिक्स, इस टाइप से मैं अपना रिवीजन को मैंने सॉर्ट करके रखा था. बच्चों, जो 8:30 से 9:30 का टाइम होता था उसमें मैं क्या करती थी, मैंने जो भी पूरे दिन पढ़ा है तीनों सब्जेक्ट्स में, बीएलबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैं तीनों सब्जेक्ट्स में सर्फिस पे चीज़ें देख लेती थी, रिवाइज कर लेती थी. बायो को अच्छे से रिवाइज कर लेती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मुलास वगैरह देख लेती थी. फिर 9:30 से 10 बजे का जो टाइम रहता था बच्चों, उसमें मैं ये डिसाइड करती थी कि मेरे को अगले दिन क्या क्या करना है. मैं रियलिस्टिक टारगेट सेट करती थी खुद के लिए कि मेरे को ये टॉपिक अगले दिन कवर करने हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपको कभी भी किसी भी काम में ना सक्सीड होना है ना, तो आपको 2 चीज़ों की जरूरत रहती है, एक क्लैरिटी, दूसरी एनर्जी. तो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपका उस दिन का टास्क क्या है. इसलिए मैं बिफोर हैंड अभी पिछली रात को ही ये सब डिसाइड करके सोती थी कि मुझे क्या करना है अगले दिन, मेरा क्या टास्क है, मेरा क्या गोल है अगले दिन का. फिर बच्चों, मैं 10 बजे सो जाती थी और 4 बजे उठ जाती थी, एंड फिर अगले दिन का रूटीन फॉलो करती थी. ये जो बच्चों मेरा रूटीन था, ये मैंने 3 महीने तो बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करा है. जब कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट हो गया था, हमारी क्लासेस लगना बंद हो गई थी, एंड सिर्फ टेस्ट के लिए हमें जाना होता था, तब मेरा यही रूटीन रहता था. देखो बच्चों, आई नो 4 बजे उठना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नाइट आउल हैं और इन्हें रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद है. अगर वो लोग अपना टाइम टेबल चेंज करके सुबह उठना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत ही डिजास्टर्स हो जाएगा 4 बजे उठ के पढ़ना. इसलिए आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इस टाइम टेबल को. आप 6 बजे उठ के अपना रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, बट कोशिश कीजिए बच्चों कि आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ें. बच्चों, आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा सुबह उठने के बेनिफिट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट आप एक बार खुद पे अप्लाई करके देखिए. आप 7 दिन खुद उठ के देखिए, आप खुद फील करेंगे कि हाँ, इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.